दोस्तों, ठंडियां जा रही हैं और गर्मी का मौसम आ रहा है। हमारे देश में तेज गर्मी की वजह से बहुत सारी मौतें होती हैं, बहुत लोगों को लू लगता है। और आज जिस दवा का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वो दवा लू लगने के बाद दी जाती है और इससे कई लोगों के जान बचाए जा सकते हैं। आज की दवा है ग्लोनोइन, जो नाइट्रोग्लिसरीन से बनती है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एक्सप्लोसिव का भी काम करता है। इसे डायनामाइट में यूज किया जाता है और अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही ये अपने सिम्टम पैदा करता है। इसका मोस्टली इफेक्ट होता है सर पे। ग्लोनोइन के पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर का सारा ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ा आ रहा है, और या तो वो हार्ट रिजन पे जाके इकट्ठा हो रहा है या सर पे। और जब उसे फील होता है कि सारा ब्लड यहां इकट्ठा हो गया है हार्ट रिजन पे, तो वो हार्ट का रिजन उसे बहुत गर्म महसूस होता है, बॉइलिंग महसूस होता है। उसी तरह ये ब्लड रश होके ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन में फुलनेस की अनुभूति होती है, अ सेंस ऑफ फुलनेस। एक और फीलिंग होता है हेड में कि वेव की तरह फीलिंग होता है, हेड वेव लाइक सेंसेशन। जैसे ब्रेन एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ब्रेन एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक बार एक्सपांड हो रहा है, इस तरह की फीलिंग होती है। तो जब सारा ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है तो ये पोर्शन पेशेंट का गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, रेड फेस हो जाते हैं। और ब्रेन का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसे थ्रॉम्बिंग या हैमरिंग या कंजेस्टिव हेडेक होने लगता है, जो बहुत ही सीवियर होता है। उसे तेज पल्सेशन होता है, हार्ट बीट होता है। इसका अगर कंजेस्टिव हेडेक हुआ तो साथ में हार्ट बीट भी तेज होता है, और इसके इतने तेज पल्सेशन होते हैं, पल्स, कि वो आप यहां पे कैरोटिड आर्टरी को देख के बता सकते हो। सिर्फ कैरोटिड आर्टरी ही नहीं, जब इसका सीवियर पल्सेशन होता है तो पैर तक आप पल्सेट करके फील कर सकते हो, इतना सीवियर पल्सेशन होता है इसका। और पैरेलली उसके साथ ही हार्ट के यहां भी ब्लड रश हो रहा है तो उतना ही तेज पैल्पिटेशन भी होता है। पर ये अक्सर ऐसा देखा गया है प्रैक्टिस के दौरान कि लू लगने के बाद ये चीजें होती हैं। कुछ और चीजें हैं जो इस हेडेक के साथ कॉमन होती हैं, और वो है जैसे चेहरा फ्लश लाल हो जाता है, पिपिल्स डायलेट हो जाते हैं, आंख की पुतलियां फैल जाती हैं, आंखों में ड्राइनेस हो जाता है, रेडनेस हो जाता है। जो उसकी जीभ होती है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, रेड कलर की हो जाती है, बाद में वो ब्राउन हो जाती है। लेकिन इसे प्यास नहीं लगता उस दौरान। और ये कभी कभी इतने सीवियर हेडेक के बाद ये फेंट हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, इतना सीवियर पेन होता है इसको। अब ये सारे लक्षण आपको एक लू लगने वाला जो लक्षण होता है सनस्ट्रोक का, उस तरह के लक्षण है। अब आते हैं इसकी मोडालिटी पे। इतना ज्यादा कंजेस्टेड हेड होता है, इतना ज्यादा उसमें हाइपरेमिक कंडीशन होता है, ब्लड इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो पेशेंट थोड़ा सा ऐसे हिल गया तो दर्द शुरू हो जाता है उसका।
चलने लगा, चलने से मूवमेंट हुई, उसका दर्द शुरू हो गया। चलने से, हिलने से, डोलने से, उसी तरह का दर्द, कंजेस्टिव, पल्सेसिंग, ऐसे लग रहा है कोई हथौड़ा मार रहा है सर पे, वो लगातार बढ़ते जाता है। और इसमें अगर पेशेंट को गर्म माहौल में रख दिया जाए, इसका हेडेक हो रहा है और गर्म माहौल में, तो इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। कुछ और दवाइयां हैं जो कंजेस्टिव हेडेक में इसके नजदीक आती हैं, जैसे बेलाडोना है, मेलिफोलियम है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है दोस्तों। बेलाडोना का जो कंजेस्टिव हेडेक होता है, उसमें बेलाडोना का पेशेंट ऐसे अगर किया तो उसे राहत मिलता है, लेकिन इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। बेलाडोना के पेशेंट अगर अपना सर खुला रखे और ठंडी हवा लगे तो उसका हेडेक बढ़ जाएगा, लेकिन ग्लोनोइन को ठंडी हवा लगे तो कम होता है, गर्मी से बढ़ता है। बेलाडोना के अगर बाल बड़े हैं, उसने कट किया, तो उसका हेडेक बढ़ जाएगा, लेकिन ग्लोनोइन के बाल बड़े हैं और उसने कट किया, तो इसका हेडेक कम होता है। बेलाडोना चाहता है कि वो अपना सर ढक के रखे, गरम रखे, तो उसे राहत मिलता है, लेकिन ग्लोनोइन चाहता है कि उसके सर पे कुछ ना हो। अगर वो हैट पहना है तो हैट निकालने के बाद उसको आराम होगा। ये डिफरेंस है ये दोनों में। मेलिफोलियम में भी कंजेस्टिव हेडेक है, लेकिन फर्क ये है कि मेलिफोलियम का जो हेडेक है वो हेडेक एपिस्टेक्सिस से कम हो जाता है, नोज ब्लीडिंग से। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेलिफोलियम का, कि इसका चेहरा ग्लो करता है, चमकता है। ये दोनों का चेहरा चमकता नहीं है, लाल रहता है, पर मेलिफोलियम का चमकता है, ग्लो करता है, शाइन होता है उसमें, और नोज ब्लीडिंग हो गई तो उसका हेडेक कम हो जाता है। इस तरह से ये तीनों दवाइयां कंजेस्टिव हेडेक की बहुत अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन एक दूसरे से काफी अलग हैं। ग्लोनोइन को नोज ब्लीडिंग से नहीं, लेकिन वॉमिटिंग अगर उसने कर दिया तो उसका हेडेक कम हो जाता है। अब सोचिए दोस्तों, आपके शरीर का सारा ब्लड ऊपर की तरफ भाग रहा है, आपके ब्रेन की तरफ, ठीक है। अगर नसें जो हैं ब्रेन की, वो उसके वॉल कमजोर हुए तो क्या होगा? तो वो नसों में से ब्लड लीक हो जाता है, एंड देयर इज चांस ऑफ एपोप्लेक्सी। सो ग्लोनोइन पेशेंट को एपोप्लेक्सी हो सकता है अगर ब्लड लीक हो गया तो। इट्स वेरी डेंजरस। हम कह सकते हैं कि इट इज मोर कंजेस्टिव हेडेक देन बेलाडोना। इसका जो एग्रेवेशन है सिर्फ सन से नहीं है, सिर्फ सूर्य से ही नहीं है, सूरज की रोशनी से ही नहीं है, सनस्ट्रोक से ही नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट से भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बंदा कहीं काम कर रहा है और यहां पे टेबल लैंप है हाई वोल्टेज का, अब टेबल लैंप का हीट उसको लग रहा है, तो अगर वो ग्लोनोइन का पेशेंट होगा तो उसके हीट से इसका हेडेक बढ़ जाएगा। या फिर जैसे कहीं भट्टी है और वहां पे ग्लोनोइन का पेशेंट बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, तो उस भट्टी की गर्मी से इसका हेडेक बढ़ जाएगा। यानी हीट का जो रेडिएशन होता है ना, ट्यूबलाइट से नहीं बढ़ेगा, लेकिन ग्लोनोइन की अगर फीमेल है, उसके किचन में ट्यूबलाइट है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर वो गैस के पास गई तो वहां से हीट रेडिएट होती है, हीट इसकी तरफ आ रही है और इसका हेडेक बढ़ जाएगा।
सो आर्टिफिशियल लाइट, रेडिएशन ऑफ हीट, सनस्ट्रोक, ये तीनों चीजों से ग्लोनोइन का हेडेक बढ़ जाता है, और कम सिर्फ एक चीज से, ठंडा, कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एयर, कोल्ड एटमॉस्फेयर। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिससे ग्लोनोइन का हेडेक बढ़ता है, फॉर एग्जांपल वाइन या किसी तरह का स्टिमुलेंट ले लीजिए, उन चीजों से ग्लोनोइन का हेडेक बढ़ जाता है। सो ये सारी चीजें दोस्तों अपने ध्यान में रखिए जब भी आपके पास ग्लोनोइन का पेशेंट हो। आपके पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि इसका इंटेंसिटी बहुत तेजी से ये बढ़ता जाता है। हेडेक के साथ साथ ये और भी जगह पे बहुत ज्यादा उपयोगी है दोस्तों, फॉर एग्जांपल सेरेब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस। अब सेरेब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस में बच्चे का सर पीछे की तरफ चला जाता है, इसका कंजेशन इतना सीवियर होता है कि ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड पे भी इसका असर होता है। उसका हेड, सर गर्म रहता है और उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। सो अगर एटमॉस्फेयर को आपने ठंडा किया तो उसके पैर में तकलीफ होने लगती है, एटमॉस्फेयर को आपने गर्म किया घर के तो उसका हेडेक बढ़ने लगता है। सो ऐसे सिचुएशन में आप एटमॉस्फेयर को ठंडा कीजिए लेकिन उसके पैर को कवर कर दीजिए, क्योंकि पैर एकदम ठंडा हो जाता है और उसमें पसीने आने लगते हैं, और इसे रोका नहीं गया तो एक ऑपिस्थोटोनस कंडीशन आ जाता है, जैसे टिटनेस में होता है ना उस तरीके का हो जाता है। सो यहां पर भी दोस्तों ग्लोनोइन बहुत अच्छा काम करती है। ग्लोनोइन के पीठ पे दो शोल्डर्स के बीच में बर्निंग पेन होता है, जैसे लाइकोपोडियम में होता है। ये एक बहुत छोटी दवा है दोस्तों, एक्यूट मेडिसिन है, इसका एक्शन और ड्यूरेशन भी बहुत कम है, लेकिन जहां इसकी जरूरत है वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये फिजिकल से कुछ मेंटल सिम्टम भी उभर के आते हैं, जैसे ब्लड रश किया ब्रेन की तरफ, और ब्रेन में ब्लड इकट्ठा होने की वजह से उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो प्रेशर का दबाव ब्रेन के कुछ सेंटर्स पे पड़ता है। और होता क्या है इसकी वजह से कि इसकी मेमोरी में प्रॉब्लम होता है, जैसे वेलोन स्ट्रीट है, जिन गलियों को वो अच्छी तरह से जानता है वो गलियां भूल जाता है, जिस घर को वो अच्छी तरह से जानता है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो वही घर है। यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हैम्पर होता है इसकी वजह से। तो ग्लोनोइन के पेशेंट को जब कंजेस्टिव हेडेक होता है तो वो मेंटल काम कुछ नहीं कर सकता, अगर उसे पढ़ना है तो पढ़ नहीं पाएगा वो, अगर उसे लिखना है तो वो लिख नहीं पाएगा। सो एट दैट टाइम ही डोंट वांट टू डू एनी मेंटल वर्क बिकॉज ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सो। उसे कभी कभी इसकी वॉयलेंसी इतनी ज्यादा होती है सरदर्द की कि ये फील करता है कि मैं विंडो से जंप कर दूं, इतनी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। सो इसके हेडेक के साथ ये कुछ मेंटल सिम्टम्स हैं जो प्रोमिनेंट है, दे आर नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इतने ही हैं। थोड़ी वॉयलेंसी आती है, जंप करने का इंपल्स होता है, और वेलोन स्टेट में भूल जाना, मेमोरी वीक हो जाना, कंफ्यूजन, ऑल दिस थिंग्स। अब कुछ ऐसे भी हेडेक होते हैं ग्लोनोइन के जो एक्यूट नहीं होते, क्रॉनिक होते, काफी दिनों के होते हैं, उनको कंटिन्यूअस डल हेडेक होता रहता है, लेकिन वो डल हेडेक जब वो पेशेंट धूप में जाता है तो बढ़ जाता है।
ठीक है। तो ग्लोनोइन का पेशेंट जब कभी भी धूप में जाएगा तो देखेगा रास्ते में कि कहीं शेड है तो वहां से होता हुआ जाऊं, कहीं छाव है तो वहां से होते हुए जाऊं, या फिर अपने साथ छाता ले लेगा ताकि उसे डायरेक्ट सनलाइट न लगे। जब डायरेक्ट सनलाइट लगेगा तो उसका हेडेक बढ़ जाएगा एंड दैट विल बी वेरी सीवियर। कुछ बच्चे हैं बेचारे जो ग्लोनोइन के अगर पेशेंट हैं और उनको सर पे कैप रखना जरूरी है पीटी के समय, फिजिकल ट्रेनिंग के समय, तो वो बेचारे बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं अगर वो ग्लोनोइन के पेशेंट हैं तो, क्योंकि वो धूप में भी गए हैं, उनका हेड कवर भी है। इस तरह का कवरिंग नहीं चाहिए, वेट नहीं चाहिए सर पे, सर को हवा लगना चाहिए तो ग्लोनोइन को आराम मिलता है, ठंडी हवा, छांव वाली हवा। लेकिन टोपी क्या काम करती है? टोपी आपके कवर कर देती है सर को और गर्मी और पसीना पैदा करता है, तो ग्लोनोइन का हेडेक बढ़ जाता है। इस तरह का आप ये सारी चीजें जरूर देखना। सो इट इज एक्यूट रेमेडी, दैट मच आई कैन टेल यू। परप्यूरियल कन्वल्शन भी है जहां पे ये काम आता है, मेंसेज अगर सप्रेस हो जाए तो कन्वल्शन आता है, पर बाकी के ये सब लक्षण होने चाहिए। हाइपरेमिक कंडीशन ऑफ ब्रेन, रश ऑफ ब्लड टू हार्ट एंड ब्रेन, ऑल दीज थिंग्स। That's all about glonoid, my dear. Thank you. Thank you very much.